जाते हैं। क्या करें, वक्त नहीं। हम कंक्रीट जंगल में रहते हैं तो प्लास्टिक के फूल लेके आके बेड के दोनों बाजू लगाते। अभी अभी हम लोग थे लोधी नंगल में, नया कमरा बनाया था, कोने में बहुत ढेर सारे प्लास्टिक के फूल सजा के रखे हुए थे। मैं सोचा था इसमें अगर खुशबू आती तो कितना अच्छा होता। दिल करता है अनमोल चीज घर में लेके आके रखे, इसीलिए हम अपने घर में आंगन में जिधर भी मौका मिला छोटे छोटे पेड़ और पौधे लगाते हैं, ताकि उससे हमारा घर का सुंदरता और घर का वातावरण। ये तो आज का जमाना है जो हम लोग स्प्रे मार के चलते हैं, लेकिन अगर पुराने जमाने में देखे तो फूल लेके सर में रख के चलते थे। शादियों में औरतें फूल लगा के आती थी, क्या खुशबू फैलता था वो। अभी वो खुशबू चली गई, अभी सेंट की खुशबू आ गई। स्प्रे मार के चले जाओ अपने घर में, उत्तम से उत्तम अनमोल चीज, अनमोल पदार्थ अपने घर है, और दुष्ट आत्मा उसके अंदर खुश जाता है। बाद में वो बच्ची जब बड़ी होती है, वो खुद ब्यूटी पार्लर जाना शुरू करती है, और फिर दुनिया के सारे नखरे वो औरत, वो बच्ची अपनाती है। शुरू किसने किया? वो माँ ने घर में, जिसके पास वक्त नहीं था उसने बाल कटा के उसको छोड़ दी। बाइबल कहता है स्त्री बाल ना काटे, उसके लिए मुकुट दिया गया है वो। हालेलुया। ये हमारे विश्वासी घरों में होता है। मैं अविश्वासियों की बात नहीं करता हूँ, मैं विश्वासियों की बात करता हूँ जो बाइबल पढ़ते हैं। तो ये सारी बातों के ऊपर आपका मन लगाना बहुत जरूरी है। किसी ने मुझसे कहा कि ये तो छोटा बच्चा है, वो तो औरत बाल नहीं काटना चाहिए, लेकिन ये जो छोटा बच्चा है यही कल औरत बनने वाली है। अगर आज इसको तुमने सिखाया तो कल ये अपने आप करने वाली है। इसके लिए बचपन से ही उसको ये सिखाना है, बाल तेरे मुकुट के लिए दिया गया है। बोला हालेलुया। तो बुद्धि से घर बनता है। अगर बुद्धि नहीं, मूर्खता को इस्तेमाल करेंगे तो वो घर नाश हो जाएगा। दूसरी चीज हम क्या देखे हैं? समझ, अंडरस्टैंडिंग, जिससे घर स्थिर होता है। अब घर को स्थिर कैसा करना है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होती है, समझ क्या होता है? हम हर वर्ष अपने घर की पेंटिंग करते हैं, मरम्मत करते हैं, कहीं सीमेंट निकला है, कहीं पानी लीकेज हुआ है, उसको प्रूफिंग करते हैं, और जमीन में कहीं खराबी है उसको मरम्मत करते हैं। इसको बोलते हैं समझ। समझ हो, अगर आपने घर बांधकर ऐसी छोड़ दिए तो ये बहुत जल्दी खंडर बन जाएगा। इसको हर साल मरम्मत की जरूरत है, हर बारिश में इसको छत में पानी जमा है या नहीं, कहीं पत्रे जंग पकड़ रहे हैं, कहीं घर के अंदर काई लग रही है, ये सब चीज तुझे देखना है, तभी तू समझ को इस्तेमाल करके घर को स्थिर रख सकता है। वरना घर को बंद करके डाले, साफ सफाई ना करे, आप कुछ वर्षों के बाद देखिए कीड़े मकोड़े वो घर में जमा हो जाएंगे, वो घर में इंसान रहने का लायक नहीं होगा। उसको समय से समय दवाई मारना है, कहीं से वो टर्माइट निकल के आती है तो उसको इंजेक्शन मारना है दीवार को, ताकि ये कीड़े ना लगे। आपके कपड़े, आपके अनाज चूहे खा जाएंगे, चूहे का दवा रखना है। ये सब जो चीज आप घर में करते हैं इसको समझ लगता है। हालेलुया। सुलेमान ने बोला बुद्धि से घर बनता है, समझ से वो स्थिर रहता है। आपके घर को मरम्मत करना है, आपको घर को साफ सुथरा रखना है। मैंने बहुत सारे घरों में जाकर देखा, अंधकार रहता है घर के अंदर, ऐसे जाले और मकड़ी लगी रहती है, उस घर में पानी पीने का भी मन नहीं करता। खाली घर में रहते हैं लेकिन वो घर की साफ सुथरा नहीं, मरम्मत नहीं। इन्होंने घर बनाया तो सही, लेकिन समझ को इस्तेमाल नहीं करते। समझ से आपका घर स्थिर रहता है। टाइम टू टाइम आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। आपको 6 महीना हो गया, गैस का नली देखना है, कहीं फट तो नहीं गया, लीकेज तो नहीं हुआ, नहीं तो एक दिन वो फटेगा, आपका घर में आग लगेगी। आपको मेंटेनेंस करना है। आपके घर में नल पाइप कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, उससे दीवार खराब होगी, बाथरूम खराब होगी, आपको पाइप बदलना है। ये मेंटेनेंस को बोलता है समझ। समझ से घर सुधरता है। बोलो हालेलुया। ये कौन सिखाया हमें? बाइबल सिखाती है। बाइबल ये किताब लिखा कौन? सुलेमान, जो बुद्धिमान था, जिसने हर चीज की निरीक्षण करके देखा, उसने लिखा कि बुद्धि से घर बनती तो है लेकिन समझ से उस घर को आप स्थिर रख सकते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हर सुबह म्युनिसिपैलिटी की कचरे की गाड़ी आती है, अपना घर झाड़ू बुखार करके कचरे बाहर फेंकना है। मान लो सिस्टर लोगों से मैं कहता हूँ, 2 दिन आप किचन का कचरा नहीं फेंको तो क्या होगा? घर में बदबू आएगी, घर बास मारेगा। उसी तरीके से ये हमारा शरीर है, हम जो भी खाते हैं ये मल में निकल जाता है। अगर ये मल में ना निकले तो आपका शरीर,
मूर्ख स्त्री ने वो घर को बिगाड़ दिया। आदम को बगीचे से बाहर निकलना पड़ा, खून और पसीने से रोटी कमाने की नौबत आ गई, लेकिन वो अंदर था तो कितना सुकून थी, कितनी शांति थी। बाइबल कहता है बुद्धि से घर बनता है। बड़े महल में झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से किसी झोपड़ी में रहना शांति से उत्तम की बात है। घर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा घर है कि घर में शांति नहीं है। उठा तो झगड़े, बैठे तो झगड़े, घर के अंदर सुकून नहीं है। आदमी जब घर में आता है तो ऐसा लगता है कि कब बाहर घर से बाहर जाऊं मैं, या तो अपना टाइम पास के लिए टीवी चालू करके बैठ जाता है, प्रोग्राम देखने लग जाता है, वो और चीज़ों में से अपना मन को हटाना चाहता है। बाइबल कहता है बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। हालेलुया। बेंगलुरु शहर में 8 साल के बच्चे को भी डायबिटीज पता चला। डॉक्टर लोग रिसर्च करने लगे क्या हुआ बच्चे लोग को, 8 साल के उम्र में बच्चे को डायबिटीज क्यों हो रही है। तो पता चला कि माताएं अपने बच्चे को स्कूल भेजने के टाइम एक 5 रुपए के कुरकुरे और वेपर तोड़ के डब्बे में डाल के दे देती है। वो बच्चा बचपन से जंक फूड खा रहा है। वो वेपर जो आपके दुकान में 5 रुपए में मिलती है, वो 6 महीना पहला पैकिंग किया हुआ है, वो गैस भरा हुआ है, उसमें हर चीज़ की जहर है। और ये बच्चा क्या करे, माँ ने बच्चे को पैकेट फोड़ के दे दी और बच्चा बचपन में ही वो चीज़ खा रहा है। माँ के पास टाइम नहीं चपाती बनाए, भाजी बनाए, अपने बच्चे को पौष्टिक आहार खिलाए, उतना समय माँ के पास नहीं है, क्योंकि माँ को भी अपना कामकाज देखने के लिए जाना है। और इससे पता चला कि बच्चे जो है ये जंक फूड खा के बचपन में ही इनको डायबिटीज की शिकार हो रहे चले जा रहे। गिनती गणना ना, हाँ जी, एक वेदी बनाई, उसके बाद एक शहरपना बनाया गया। अब उस शहरपना के अंदर एक घर बनाया गया। उत्पत्ति 33वां अध्याय उसका 17वां वचन में याकूब ने एक घर बनाया। तो जब एक घर होती है तो एक शहरपना होती है। एक शहरपना जो है वो घर की हिफाजत करती है। कल हम लोग वाघा बॉर्डर में थे, वो किस लिए खड़े हैं वहाँ पर, इस शहर का हिफाजत करने के लिए खड़े हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। वो वहाँ खड़े हैं इसीलिए हम यहाँ सुरक्षित हैं, वरना दुश्मन कभी भी हमला करेगा। तो बाइबल में एक शहरपना बनाई जाती है ताकि अंदर रहने वाले सुरक्षित रहे। घर बनाई जाती है किस लिए, ताकि हम और अपने परिवार, बीवी बच्चे सुरक्षित रहे। धूप से, छांव, बारिश से हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक घर बनाते हैं। बाइबल के अंदर में भजन संहिता 84 अध्याय की आप पढ़ेंगे वचन में, तो एक पक्षी के बारे में बाइबल बात करती है। 84 चैप्टर उसका 3 वचन पढ़िए। हे सेना दे यहोवा, मेरे पाछा अते मेरे परमेश्वर, तेरियां जदवेदियां विच चिड़ी ने अपने लिए घर बनाया। चिड़िया ने अपने लिए घर बनाया, खाली इंसानी घर नहीं बना था। हर जानवर पक्षी अपने लिए घर देखती है, अपने अंडे कहाँ दे, अपने बच्चे को कहाँ रखे, एक सुरक्षित जगह वो देखती है। और ये शूपाबेनी पक्षी ने एक सुरक्षित जगह किधर देखा, परमेश्वर का भवन देखा। बोला हालेलुया। और परमेश्वर के भवन में सबसे सुरक्षित जगह वो वेदी उसने देखी, और उस वेदी के नीचे उसने घोंसला बनाया ताकि वो अपने बच्चे को वहाँ रखे। बोला हालेलुया। इससे सुरक्षित जगह कहाँ है दुनिया में, परमेश्वर का भवन और वेदी, और वेदी के नीचे एक शूपाबेनी पक्षी ने अपना घर बनाया। आज हम लोग घर बनाते हैं कहाँ बनाते हैं, एक शहरपना को देखते हैं। अब मुझे मालूम है कि भाई पहले बीर के बाजू में बल में रहता था, ऐसे ही कुछ है उनका गांव का नाम बल। हाँ जी बल, मुझे समझ बल बल। तो मैं बोला ये बल है, फिर वो बीर है, तो मैंने नहीं, वो बीर है ये बल है, तो दोनों मिल के बीर बल बोला जाता है। अब बाहर यहाँ आने के लिए इस शहर में शायद हो सकता है उनका व्यापार यहाँ नज़दीक होगा, काम धंधे यहाँ होंगे, आने जाने में जितना समय लग जाता है, जितनी पेट्रोल लग जाती है,
वो बचत होगा, इसीलिए हम वहाँ घर बनाएंगे। शायद उनका बच्चे का स्कूल यहाँ पास में होगा। मतलब एक घर आदमी बनाने के टाइम बहुत सारी चीज़ों को वो सोचता है कि मेरी ट्रैवलिंग कितनी होनी चाहिए, मेरे बच्चे की स्कूल कितनी दूर होनी चाहिए, मार्केट बाजू में होना चाहिए, मुझे हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए। उसके बाद में आदमी ये भी देखता है कि मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे होंगे। मैं इस घर पे रहूँगा तो मेरे आजू बाजू के लोग, मेरा घर, मेरे परिवार सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे ही आदमी एक विचार बनाता है, इसी को कहते हैं बुद्धि। बुद्धि से घर कैसी बनती है? आदमी सोचता है कि मैं कहाँ घर बनाऊँ, कहाँ से मेरी सुविधा होगी। हम बॉम्बे में रहने वालों का एक अजीब सा किस्सा है, 2 घंटे कम से कम ट्रेन में जानी पड़ती है नौकरी के लिए। मैं एक जगह जाता हूँ पुणा, पुणा बॉम्बे से वहाँ जाने के लिए 4 घंटे ट्रेन में लगते हैं, और पुणा से लोग काम करने बॉम्बे आते हैं। 4 घंटा सवेरे आते हैं, 4 घंटा 8 घंटा ट्रैवलिंग में गया और 8 घंटा नौकरी गया, बाकी कितना परिवार को तुम टाइम दोगे, घर को, बच्चे को कितना टाइम दोगे, कितना समय अपने परिवार के अंदर बिताओगे। मतलब लोग काम और घर गृहस्थी में इतना गुद गए हैं कि कहाँ समय बिताना ये लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। आज हमारे बॉम्बे की लाइफ, सिटी की लाइफ इतना बिजी हो गया है, वर्क फ्रॉम होम, कोरोना काल है, कंपनी बंद है, घर से काम करो, बाप लैपटॉप लेके बैठा है, माँ लैपटॉप लेके बैठी है, दोनों काम करते हैं, बच्चे से बात करने का वक्त भी नहीं रहा। एक दिन एक बच्चे ने पापा को पूछा, डैडी आपका रोज का पगार कितना है? तो बोले, बेटा दिन का 1000 रुपये, महीने के 30,000 हो जाते। बोले अच्छा, तो बच्चे को मालूम पड़ा पापा का एक दिन का पगार कितना है, 1000 रुपया। तो रोज उसको स्कूल के पैसे मिलते थे, जेब खर्चे, वो बच्चा डब्बे में डाल के जमा करने लगा, और जमा करते करते जब 1000 हुआ, उसने बच्चे ने पैसे ले आकर बाप को बोला, डैडी ये 1000 रुपया आज का पगार मैं आपको देता हूँ, आप मेरे साथ समय बिताओ, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ रहो। आज डैडी लोगों की ऐसी हालात हो गई, बच्चों के साथ में समय नहीं बिता सकते। वो बच्चे के विचार थी कि तुम पैसे के लिए भाग रहे हो, एक दिन का पगार मैं देता हूँ, एक दिन डैडी मेरे साथ खेलो तुम। आज ये परिवार का दृश्य हो गया है। बच्चे को क्या हो गई, माँ बाप ने क्या कर दिया, बच्चे रोने लगे तो कार्टून लगा दी, कार्टून देखते देखते बच्चा खाना खा रहा है, बच्चे को तकलीफ हुई खिलौना दे दी, बच्चा खिलौना में मगन है, बच्चे को चुप कराओ, ये बुद्धि नहीं है। सुलेमान बोलता है बुद्धि से घर बनती है, ये बुद्धि नहीं जो तुम आज इस्तेमाल कर रहे हो अपने घर को बनाने के लिए। सो सुलेमान जिस बुद्धि के बारे में बात करता है, वो बुद्धि क्या है? नीति वचन की किताब उसका 14 अध्याय पहला वचन, नीति सूत्र 14 अध्याय 1 वचन, हाँ 14:1, जेड़ा छेती गुस्से हो जाता है वो मूर्खता ही करता है, हाँ, अते बुरे मते पकाउन वाले नाल व्यार कीता जाता है। क्या लिखा है? बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। बोला और मूर्ख शांति खोजने के लिए गया। वो कहता है जो चीज आज आप और हम भाग रहे हैं बिजनेस करने, व्यापार के लिए, पैसे कमाने और दुनिया के धन और दौलत से अपना घर भरना, अच्छी गाड़ी करना, हमको जो कुछ चाहिए, ताकत सामर्थ्य, ये सब उसने किया था। सुलेमान की तरह सामर्थ्य किसी के पास नहीं थी। सुलेमान को साल में कितना सोना आता था, कितना किक्कर सोना, कितना किलो सोना आता था उसको। सुलेमान के घर में लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे। आप क्या सपना देख सकते हैं कि दुनिया में कोई आदमी सुलेमान के जैसा जीवन बिताया होगा? सुलेमान ऐश्वर्यवान आदमी था। जब वो अपनी ताकत को प्रकट करना है, अपने ज्ञान को प्रकट करना है, तो शीबा की रानी 3 महीने जंगल के रास्ते से आई सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए, और वो आकर सुलेमान से बात कर रही है। सुलेमान को उसने परखने के लिए, उसके कई प्रश्नों में से एक प्रश्न उसका ऐसा है, उसने एक घर में पूरे कमरे में कागज के फूलों से, बनावटी फूलों से भर दिया घर, और उसके बीच उसने एक गुलाब का फूल असली रख दिया, और सुलेमान को बोला बिना हाथ लगाए बिना छुए ये बताओ तुम्हारे ज्ञान से कि इसमें असली फूल कौन सा है। सुलेमान ने अपने लोगों को आज्ञा दिया सारे खिड़की सब खोल दो,
खिड़की दरवाजे सब खोल दिए और सुलेमानियों देखता रहा, शीबा की रानी देखते रही कि क्या जवाब दे गए, कैसे ये फूल को ढूंढ के निकालेगा। बाहर से एक मधुमक्खी आई और उसी असली गुलाब में बैठी। सुलेमान ने शीबा की रानी को बोला, ले ले वो गुलाब, वही असली, मैं नहीं पहचान सकता गुलाब असली कौन है, लेकिन ये मधुमक्खी जो है वो पहचान सकती है, मधुमक्खी को मध किधर मिलेगा। ऐसा सुलेमान था, उसने अपने बुद्धि से लिखा कि घर बनाने के लिए बुद्धि की जरूरत है, इससे बुद्धि सीखना है हम घर कैसे बनाएं, इससे हमें ज्ञान लेना है हम ज्ञान घर को कैसे स्थिर रखें, और इससे हमें वो समझ लेना है कि हम अपने घर को किन वस्तुओं से भर दें। तो पहले पहले हम देखेंगे बाइबल के अंदर उत्पत्ति 28, ज्ञान जो है वो नुकसान पहुंचाता है। ये मोबाइल अच्छे काम के लिए भी वापस सकते हैं, बुराई के लिए भी वापस सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान से बना है। बुद्धि से बनी हुई चीज आप बुराई के लिए कभी नहीं वापस सकते। हालेलुया। अब देखो हमारे देश में साइंटिस्ट लोगों ने मिसाइल बनाए, अग्नि मिसाइल, ज्ञान से बनाए अग्नि मिसाइल, बुद्धि से नहीं बनाए वो, क्योंकि मिसाइल किस लिए बनाए, दूसरे देश में डालो वहां के जीव जंतुओं को मार डालो, इसीलिए मिसाइल बनी है। बुद्धि कभी भी दूसरे को मारता नहीं, ज्ञान मारता है लोगों को। तो ये जो मिसाइल, ये बंदूकें, ये जो बनी है ये ज्ञान से बनी है, ये साउंड सिस्टम बना है ज्ञान से बना है। इसमें प्रभु का भजन भी होगा और डिस्को डांस भी होगा इधर, लेकिन बुद्धि डिस्को डांस नहीं करेगी, बुद्धि खाली परमेश्वर की महिमा करेगी। सो सुलेमान कहता है घर बनाने के लिए इन चीजों की तुम्हें जरूरत है, इन चीजों के द्वारा अगर तुमने घर नहीं बनाया तो तुम्हारा घर नहीं दिखेगा। बाइबल कहता है सुलेमान ने अपने लिए उत्तम भवन बनाया। सुलेमान ने अपने भवन बनाने के लिए 13 साल लगाए और मंदिर बनाने के लिए 7 साल लगाए, कुल मिलाकर 20 साल उसके जीवन में खाली कंस्ट्रक्शन चल रही थी। 40 साल उसने राज्य किया, 40 साल में 20 साल तो उसको घर बनाने में लग गया और मंदिर बनाने में लग गया। इतना औजार उसने ले आकर अपना घर बनाने के लिए रखा। कभी कभी लोगों को ऐसा लगा कि सुलेमान कितना पैसा बर्बाद कर रहा है, लेकिन सुलेमान को इतनी धन और संपत्ति आने लगी। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, लेकिन सुलेमान ने बुद्धि को दूर करके ज्ञान की तरफ में चला गया। वो ज्ञान की तरफ में अपना मन रखा। सुलेमान का मन अंतिम दिनों के अंदर परमेश्वर से दूर चला गया, क्योंकि उसने क्या किया, सभी देश के साथ में शांति का राज बनाए रखने के लिए उस देश के एक लड़की से शादी कर ली, उसने मिस्र देश से शादी कर ली, उसने पारो के घर से शादी कर ली, उसने हर देश में भाई आपकी लड़की दे दो, वो हर एक का दामाद बन गया, ताकि कोई लड़ाई ना करे, कोई युद्ध ना करे, अगर कोई लड़ने आए तो बोले अरे अपनी बेटी को दिया है, दामाद को दिया, उधर लड़ाई नहीं करे। 40 साल शांति थी, सुलेमान राज्य करने के टाइम एक भी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन वो भूल गया, उसको राजा खुदा ने बनाया, लेकिन वो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके शांति बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे लड़कियों को ले आया अपने घर में, जिन्होंने अपने साथ मूरत को भी ले आया, और सुलेमान के आखिरी दिन मूरत की उपासना करते करते वो मर गया। परमेश्वर ने बुद्धि दिया था उसको, लेकिन उसने सोचा कि मैं ज्ञान से कैसे शांति को बनाए रखूं। आपको मालूम है सुलेमान का नंबर बाइबल में कौन से नंबर में आता है? आप बाइबल में आदम, आदम के बाद में शेत, उसके बाद एनोश, ऐसे आप गिनोगे तो सुलेमान का नंबर 666 नंबर में आता है। कौन सा नंबर में? 666 नंबर में सुलेमान बाइबल में आता है। 666 किसका नंबर है? फिर वो किधर गया आखिर में? शैतान के पास गया, उपासना करने के लिए मूरत की उपासना में पड़ा। लेकिन उसने बहुत बुद्धि से, बहुत समझ से, जब तक वो खुदा के डर भय में था, उसने इन किताबों को लिखा, जिसकी खोज में आज आप और हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये सब उसने पाया था। उसने 1000 रानी की थी। कितने? कौन है दुनिया में 1000 रानी करने वाला? ज्ञान से बहुत सारी चीज बनती है। ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं। दूतों ने आकर उसको 7 मोहरों का प्रकाशन दिया, और उसके बाद वो 7 दूत नबी के पास से जाकर उन्होंने बादल में एक बहुत बड़ा चेहरा बनाया, और वो चेहरा साइंटिस्ट लोगों ने चारों तरफ से तस्वीर खींचकर उसको अखबार में छाप दिए। मिस्टीरियस क्लाउड साइंस मैगजीन में
अमेरिका के साइंस मैगजीन में छप गई, मिस्टीरियस क्लाउड, मतलब यह है कि रहस्यमय बादल, क्योंकि साइंस ने उसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई नापी तो साइंस को यह पता चला कि इतने ऊंचे में बादल बनता ही नहीं। बादल को बनने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए, तो वो ज़मीन से 26 किलोमीटर ऊपर और उसकी चौड़ाई और अध घड़ी तक वो बादल ऊपर बनी थी, और उस समय नबी पहाड़ पर बैठा था। ये तो बहुत गहरी बात है, ये आम बाइबल पढ़ने वाले आम क्रिश्चियन लोगों को ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि उनको ये पता भी नहीं कि ऐसा भी कोई चीज़ है जो होने वाली है। परंतु ये एंड टाइम मैसेज जो लोग जानते हैं, जो लोग नबी की किताब पढ़े हैं, उन्हें ये बात समझ में आएगा। तो नबी उस बात को लेकर तस्वीर में अपने कलीसिया में आए, और जब वो खुद उसको देख रहे थे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तब पवित्र आत्मा ने उनको बोला, तस्वीर को घुमा के देख। जब उन्होंने तस्वीर को घुमाया तो उसमें प्रभु यीशु का चेहरा नजर आया, आमीन। और तब उन्होंने कलीसिया में आकर कहा कि प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय वो आज पूरा हो चुका है। किसी के पास है बादल की तस्वीर? नहीं है। सो इस 1963 को जो बादल आई थी 28 फरवरी, यही दिन जिस दिन में हम आज ऊपरी अटारी में बैठे हैं, इस तस्वीर को उन्होंने प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में मिलाया और कहा कि प्रभु बादल को ओढ़े हुए नीचे उतर कर आता है। क्या ओढ़े हुए? बादल को। बादल को ओढ़े हुए, और ये बादल को ओढ़े हुए प्रभु ने अपनी तस्वीर बताई। और उस तस्वीर को अगर आप गौर से देखोगे तो उसमें आपको 7 फरिश्ते दिखाई देंगे जो अपने पंख को फैलाए हुए हैं, और वो पूरी तस्वीर जो है उन फरिश्तों ने बनाया, और वो तस्वीर जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह का उसमें चेहरा दिखाई दिया। उसके बाद नबी उस चेहरे को देखकर उसे दृष्टांत याद आई, जब उसने चर्च बनाने के लिए जेफरसन विली में एक जमीन खरीदा था, पर वो खरीदने के समय वो उस जमीन में खड़ा था उस जमीन का व्यवहार करने के लिए। तो उसने एक व्यक्ति उस जमीन पर एक पत्थर पर बैठा हुआ दिखाई दिया, तो नबी ने बोला, ये कौन व्यक्ति है जो इस जमीन पर आकर बैठा है? तो उसके करीब थोड़ा गया तो नबी बता रहा है कि वो चेहरा थोड़ी सी ऐसा तिरछा मुझे देखकर हंसने लगी, और मैं उस चेहरे को देखता रहा। वो चेहरा इतना मनभाव था, मतलब एक है कि उसके तरफ में अगर कोई नजर दे तो आदमी नजर मोड़ेगा नहीं, इतना वो चेहरे के अंदर एक लगाव थी। और नबी कहता है कि इतना सुंदर चेहरा मैं कभी नहीं देखा, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। और वो चेहरे को देखने के बाद उस चेहरे की इशारा आई नबी को, यही जगह में तू चर्च बनाना। और आज जेफरसन विली में जो चर्च बना है वो उसी जगह पर बना है जिस पर यीशु मसीह स्वयं आके खड़े थे जगह पे। और नबी उस चेहरे को देखने के बाद कलीसिया में वर्णन करना चाहा कि मैंने जो चेहरा देखा वो कैसा दिखता है। तो उनको नजर आया हॉकमैन का जो पिक्चर है, हॉकमैन जिसने यीशु को बनाया @33। आप गूगल में डालिए हॉकमैन पेंटेड जीसस @33, तो आपको वो तस्वीर आएगा। तो उस तस्वीर को लेकर नबी ने आकर कलीसिया में बताया कि मैंने जो यीशु को देखा था वो ऐसे दिखता है। इसीलिए सभी एंड टाइम मैसेज वालों के पास में जो तस्वीर है वो प्रभु का हूबहू देखा हुआ चेहरा है नबी के द्वारा। बोलो हालेलुया। आपने हमने देखा नहीं, लेकिन जिसने देखा उसने हमें गवाही दी है कि उसका चेहरा ऐसा दिखाई देता है। और बहुत सारे आप जाओगे यीशु मसीह के चेहरे घरों में देखोगे तो बड़ा सा भांग बना हुआ है, बीच में से अच्छा तेल लगाया हुआ है, बाल सेटिंग किया हुआ है, दाढ़ी मूंछ सब अच्छा सेटिंग किया हुआ है। ऐसा प्रभु नहीं था।
प्रभु एक रगड़ आदमी था, रगड़ रगड़ मतलब उसके बाल बिथरे हुए थे। अजाया 53 में लिखा है वो देखने में इतना खूबसूरत नहीं था, वो ऐसे दिखाई देता था जैसे हम साधारण लोग हैं। ऊन कतरने के लिए जैसे भेड़ ले लिया जाता है ऐसा उसका स्वभाव था, लेकिन हमने जीसस को बहुत पेंटिंग करके सजा के उसको ऐसे बनाया जैसे फिर उसके इधर एक हृदय निकाल दिया उसमें से लाइट निकल रही है, हाथ दिखा दिया उसमें से रोशनी निकल रही है, ऐसे यीशु को बहुत बड़ी सुंदरता में बना दिया। लेकिन बाइबल कहती है वो सुंदरता में नहीं था। क्यों सुंदरता में नहीं था? वो तो आपके और हमारे लिए बलिदान बनने के लिए एक वस्तु बन के आया था, वो सुंदरता में नहीं वास करता। तो ये 28 फरवरी को मैंने भी तारीख दे दिया, भाई ने भी तारीख ले लिया, लेकिन आज मालूम पड़ा कि वो तारीख ये है कि प्रभु आज से कई वर्ष पहले। और ये प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बाइबल में। रेवलेशन 10 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर में प्रधान दूत जमीन पे उतर के आ रहा है, एक पांव समंदर में एक पांव धरती पे रखकर ऐलान कर रहा है, और उसके शब्द जो है बहुत धलदारा के नाई जैसा सिंह गरजता है वैसे वो गरज रहा है। और उसके गरजने के बाद सात गर्जन, एक के पीछे सात गर्जन गरजती है। तब यूहन घबराता है और कहता है कि क्या है? बोले उसके हाथ में खुली किताब है, जा उस खुली किताब को लेकर खा, वो तेरे मुंह में मीठा लगेगी, तेरे पेट में वो कड़वा हो जाएगा। और यूहन्ना जाकर उस किताब को लेके खाता है। यूहन्ना कलीसिया को दर्शाता है जो किताब को लेके खाना है। आज बहुत से लोगों ने किताब अलमारी में रखे हैं, खाते बहुत कम लोग, लेकिन वो किताब को खाना है। खाने से वो आपके पेट में कड़वा होगा। पेट में कड़वा होने का मतलब यह है कि वो आपके पेट में रुकेगा नहीं, आपने जो खाया वो औरों को जाकर आप बताएंगे, यही है पेट में कड़वा लगना। फिर नीचे आएंगे तो बाइबल कहती है कि तुझे बहुत से जातियों को भविष्यवाणी करनी है, बहुत से जातियों को तुझे ये बात बताना है, इसीलिए पहले तू खा। देखो सुनने को बड़ा मीठा लगता है, वचन सुनने को मधुर लगता है, लेकिन वो आपके जीवन को बेचैन कर देगी जब तक सुनी हुई चीज औरों को जाके ना बताए, जब तक औरों को जाके तुम गवाही ना दे वो तुम्हें बेचैन करेगी। यही वो छोटी किताब थी जो खुलकर नीचे आ गई। अब ये खुलकर नीचे आई हुई किताब आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में देख सकते हैं, सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, उसके हाथ में किताब है। 5 अध्याय में वो किताब बंद है, बाइबल कहता है वो किताब बंद है। और यूहन्ना रोने लगा, फुट फुट कर, हाय कौन वो किताब को मेरे लिए खोलेगा, कौन उस किताब को मेरे लिए, मेरा अधिकार मुझे वापस कौन देगा। नबी बताता है कि वो वही अधिकार का किताब है जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, तू ये पृथ्वी का मालिक है, ये पृथ्वी तेरे अधीनता में है, आदम जो कहे ये पृथ्वी मानेगी, आदम ने हुक्म दिया वो मानेगी। आप जान सकते हैं खुदा के बंदे लोगों ने कैसे हुकूमत चलाई है, जो आदम के पास था वो अधिकार आदम ने खो दिया, वचन के टूटने से आदम के पास से वो किताब निकल गई। आप बोले पृथ्वी का अधिकार आदम को दिया था, हाँ, जोशुआ ने खड़ा के सूरज को बोला रुक जा हमें लड़ना है, सूरज रुक गई, ये अधिकार था आदम के पास। ये अधिकार आपको तब मिलता है जब वो किताब आपके हाथ में मिलता है। मैं जानता हूं कि जब ये घर बनाया तो इस घर की पहले कागजात बनी होगी, इस घर के रजिस्ट्रेशन कागजात जमीन की बनी होगी, उसके बाद बांधकाम का परमिशन आपने लिया होगा, ये सारी चीज पहले कागजात में है, बाद में दीवार बनती है, पहले कागजात बनती है उसकी, बोलो हालेलुया। और जिसके पास कागजात नहीं है वो इल्लीगल घर बनाता है, कभी भी म्युनिसिपैलिटी आके तोड़ देगा उसे। जिसके पास कागजात होती है वो बाकायदा कानून के हिसाब से घर बनाता है, बोलो हालेलुया। मैं कहता हूँ जितने लोग बाइबल इस्तेमाल करते हैं बिना कागजात के वो इल्लीगल घर है, जब प्रभु आएगा वो सब घर गिराया जाएगा, लेकिन जिसका कागजात बना हुआ है वो घर स्वर्ग में पाया जाएगा, बोलो हालेलुया। तो हर चीज की एक एक ब्लूप्रिंट बनती है, और ब्लूप्रिंट के बाद में आप परमेश्वर ने आप ही वो बंद किताब खोलकर 10वें अध्याय में खुली किताब बनकर नीचे ले आया, खुद उसने किताब खोला। किताब खोलने के लायक कोई नहीं था, यूहन्ना फुट फुट कर रोने लगा। तब एक फरिश्ते ने कहा मत रो, यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ है जो तेरे लिए वो किताब खोलेगा।
वो किताब खुलना जरूरी था। अगर वो किताब नहीं खुलता तो आपका और मेरा अधिकार हम नहीं पाते। वो किताब में लिखा हुआ था कि आदम जात ये जमीन का मालिक है, ये जमीन का हकदार है, उस किताब में लिखा हुआ था। लेकिन आदम उस किताब को खो दिया, खो दिया इसलिए कि उसने वचन को तोड़ दिया। अब वो गंदे हाथ उस किताब को नहीं पकड़ सकता, इसीलिए वो किताब चली गई ओरिजिनल ओनर के पास, जो उसका ओरिजिनल ओनर था। और 4000 साल से वो किताब सिंहासन पर थी। खुदावन उस किताब को अपने हाथ में रखा था कि कोई आकर इस किताब को खोले और आदम को अपना दिखार दे, लेकिन वो किताब के तरफ दृष्टि डालने के लिए भी कोई पैदा नहीं हुआ। जो भी माँ के पेट से पैदा हुआ है वो पाप में हुआ है। तब परमेश्वर स्वयं एक मेमने का रूप धारण करके कुंवारी के पेट से ये धरती में पैदा हुआ। हालेलुया। क्यों कुवारी के पेट से हुआ? वो पाप में जन्म नहीं लेना चाहता था। अगर वो पाप में जन्म लिया तो किताब को छू नहीं सकता, इसीलिए कुवारी के गर्भ से आया। और वो सूली पर जाकर जब लटका था, आप देखेंगे जब सूली पर लटका था उसी समय वो स्वर्ग में जाके वो किताब ले रहा है। हे पिता, हे पिता, तो इन्हें क्षमा कर करके सूली से वो किससे कह रहा है? पिता से कह रहा है। उस समय में वो जाकर उसकी किताब को ले रहा है। हम 5वें अध्याय में देखेंगे एक लहू लुहान मेमना सिंहासन के सामने खड़े रहकर उस किताब को ले रहा है। वो किताब लेने के बाद उसके एक एक मोहरों को उस किताब ने खोल दी, और उस मोहरों को खुलने के बाद अब वो किताब ऊपर नहीं रह सकता, अब वो किताब आदम के पास आना है। कौन लेके आके देगा? वही मसीह जो मेमना बनकर गया, किताब को लेकर खोला, वो प्रधान दूत बनकर 10वें अध्याय में जमीन में आता है। एक पांव जमीन में, एक पांव समंदर में खड़े होकर वो किताब को खोल के देता है। यूहन, आ ले और खा। आपका और मेरा अधिकार इसी 28 फरवरी 1963 में बादल पे नीचे उतर कर आई थी। बोलो हालेलुया। इसलिए हमारे लिए ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं खुश हूँ कि इस तारीख में मेरी 2 मीटिंग है आज, एक अमृतसर में है, एक फिरोजपुर में है, और मानो मैं इसी तारीख के बारे में प्रचार करना चाहूंगा। बोलो हालेलुया। खुदा उनका नाम मुबारक हो। हम संदेश में जाएंगे, आज के इस घर के विषय में बात करेंगे हम लोग। ये तो रेवलेशन थी जो मैं आज की तारीख के बारे में बताना चाहा। घर के विषय में बात करने के समय सुलेमान कहता है बुद्धि से घर बनती है, समझ से घर स्थिर होता है, और ज्ञान से घर भरता है। तो भाई सुखी उनके परिवार ने आज ये सुंदर सा घर अपने परिवार के लिए बनाया है। घर कैसे बनता है बाइबल हमें बतलाती है। बुद्धि से घर बनती है, समझ से घर स्थिर रहता है, और ज्ञान से अपना घर अच्छी अच्छी वस्तुओं से भरती है। तो हर घर में ये 3 चीज की जरूरत है, बुद्धि, समझ और ज्ञान। वैसे सामान्य भाषा में बोलेंगे तो ये तीनों एक जैसे ही लगता है। बुद्धि को भी लोग समझ बोलते हैं, समझ को भी लोग बुद्धि बोलते हैं, और बुद्धि को ही लोग ज्ञान भी बोल देते हैं, लेकिन ये तीनों अलग चीज है। बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, और समझ अलग है। और ये 3 चीज एक घर बनाने के लिए लगता है। वजह संहिता 127 में हमने अभी पढ़े थे, यदि घर को प्रभु न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा प्रभु न करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। ये बात कहां तक सच है? हम देखते हैं संसार में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है जो अपने आपे में घमंड करते थे। जापान ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा एक शहर, एक देश है। उन्होंने ऐसे ऐसे यंत्र बनाए थे, समुद्र के कई मील अंदर उन्होंने वो यंत्र को रखे थे कि अगर तूफान उठे, सुनामी आए तो पहले इनको खबर मिल जाएगा। और उन्होंने समुद्र के तट में बड़ी ऊंची कंक्रीट दीवार बनाए थे कि समुद्र का पानी इधर ना आए। लेकिन एक दिन सुनामी आई, समुद्र का वो यंत्र जमीन में लाके फेंक दिया पानी ने, और दीवार को तोड़ कर पूरी जापान को अंदर लेकर चला गया। बोला हालेलुया। बुद्धि से उन्होंने बनाई दीवार, लेकिन खुदावन उसके सामने नहीं खड़ी पाई जब वो अपने प्रकोप को उंडेल